प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। अंग्रेजों से लड़ने और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाले शहीद तिलगा खड़िया के वंशज गरीबी और बेरोजगारी में दूसरे राज्य पलायन करने को मजबूर है। अभी एक महीने पहले ही शहीद के वंशज काम करने के लिए गोवा चले गए। गोवा में वो किसी होटल में वेटर तो कोई सेल्समैन तो कोई पत्थर चीरने का काम कर रहा है। शहीद के गांव में अन्य दो दर्जन से अधिक युवक युवती भी पलायन कर चुके हैं। गुमला से 25 किलोमीटर दूर सिसई प्रखंड के नागफेनी घाघरा गांव में शहीद तिलगा खड़िया के 16 परिवार रहते हैं। इस गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं है। बात सिर्फ शहीद परिवार की नहीं है, गांव के लोग भी पलायन को मजबूर हैं क्योंकि यहां रोजगार का कोई साधन नहीं है। जीने खाने के लिए पैसे की जरूरत है और यहां जरूरत उन्हें सिर्फ गांव ही नहीं झारखंड छोड़कर पूरी करनी पड़ रही है। शहीद तिलगा परिवार के वंशजों की बात करें तो घर का कोई सदस्य बीमार होता है तो इलाज के लिए खेती योग्य जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। अधिकांश युवक युवती पढ़ने लिखने वाले हैं, कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने गोवा चले गए। अभी मैं वीर शहीद तिलगा खड़िया की जन्मभूमि घाघरा गांव में हूँ। ऐसे कहा जाता है कि तिलंगा जी का जन्म मुर्गू गांव में हुआ था, लेकिन जमींदारी प्रथा के समय ही उनके परिवार को मुर्गू गांव से खदेड़ दिया गया और आज उनके वंशज घाघरा गांव पहाड़ के तलहटी में आकर बस गए। और हमारे साथ में शहीद तिलंगा खड़िया के परपोता जोगिया खड़िया और उनकी जोगिया की पत्नी पुनी देवी है। आज दुख की बात इस कहा जा सकता है कि तिलंगा जो देश के लिए जमींदारी प्रथा के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन आज उसका परिवार जिस प्रकार संकटों में जी रहा है, कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के दावों को खोखला साबित कर रहा है। आज तक गांव में आने के लिए ना सड़क है, ना यहाँ पीने के लिए पानी है। बिजली पोल और तार लगी हुई है, लेकिन प्रत्येक घर में मात्र एक ही बल्ब जलता है। दुख की बात यह भी है कि इस गाँव में रोजगार का कोई साधन नहीं है। इस वजह से शहीद के जो वंशज हैं 7 लोग पलायन कर गए हैं और 7 लोग गोवा में कोई कपड़ा दुकान, कोई पत्थर तोड़ने का काम, कोई बर्तन धोने का काम, इस प्रकार का काम कर रहे हैं। और अभी जैसा जोगिया खड़िया जी से हमारी बात हुई, ये भी बोल रहे हैं कि इनकी पत्नी पुनी खड़िया तबीयत खराब हो गया था, इनका पथरी हो गया और इनके इलाज में करीब 60,000 रुपया खर्च हुआ और ये 1.5 एकड़ जमीन को गिरवी रख दिए हैं। तिलगा वीर अमर शहीद तिलगा खड़िया परिवार वंशज रहते हुए हम लोग को बहुत स्थिति खराब, गरीबी स्थिति है। मेरा पत्नी बीमार हो गई, उसके पेट में पथरी था तो उसको अस्पताल ले गया गया। एकदम बीमारी ज़्यादा होने के बाद में तो गुमला नर्सिंग होम में इसको इलाज कराए और अपने घर में पैसा वैसा नहीं था, गरीबी था मैं, उसमें अपना जमीन को 60-65 हज़ार ने बंधोत कर दिया है, 1.5 एकड़ जमीन पे। और किसी तरह इसका जान बचाए हैं और अभी भी कमजोरी है, सरकार मदद नहीं कुछ उसके हाथ भी नहीं दे रहा है। और हम लोग को एक समस्या है कि हमारे कोई भी आदमी को आने जाने लिए दिक्कत हो जाता है तो गाड़ी घोड़ा नहीं चलता। हमारा रोड हमारे गांव घर तक ले रोड बननी चाहिए और पीने के पानी के बहुत तकलीफ है, किसी के दूरी से कुआं से ला कर पीते हैं। इसलिए एक डीप बोरिंग सोलर लाइट के साथ दिया जाए गांव में और शहीद गांव के गांव आते हुए गांवों में भी इतना कोई व्यवस्था नहीं है पानी का। जरा सोचिए, जिस गांव में पीने का पानी तक शुद्ध ना हो वहां की स्थिति क्या होगी। अब सवाल है कितनी सरकारी योजना है क्या वो गांवों तक नहीं पहुंचती। गांव में वृद्धों को पेंशन नहीं मिलता, खेतों की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। 2021 के अगस्त माह में प्रशासन ने इस शहीद के गाँव को गोद लिया था। अब जो गांव प्रशासन की गोद में हो वहां सरकारी सुविधा का अभाव हो तो आप समझ सकते हैं। खैर, शहीद के परपोते का नाम जोगिया खड़िया है। जोगिया के पुत्र विकास खड़िया की पढ़ाई के लिए सहयोग नहीं मिल रहा है। विकास गुमला शहर के SS ब्लॉक हाई स्कूल में इंटर 11वीं के छात्र हैं। कुछ माह पहले माँ पुनी देवी बीमार हो गई थी, इसके इलाज के लिए 65,000 रुपये खर्च हुए। पैसा नहीं था तो 1.5 एकड़ जमीन गिरवी रखी। अब गिरवी रखी जमीन को मुक्त कराने के लिए विकास पढ़ाई लिखाई छोड़कर गोवा में मजदूरी कर रहे हैं।
माई कर पेट में पथरी रहे से हॉस्पिटल ले गए तो ढेर खर्च हो गया बीमार में से ले मोर बेटा चल गया गोवा और गाँव में का करके छोड़ा मु घरों में पैसा लगा लो और बीमारों ने कच्चे खर्चा हो लो तो दो इन बेचाल है तो हमरे का करके हमरे छुटा तो घर में कचिया उचिया है इलाज उलाज कराए के लिए कचिया पैसा नहीं है और खाने पीने ले थोड़ा बहुत धान हो है और होएला उतने में कोई इलाज पिलाज कराई ला पैसा नहीं होएला तो हमर बेटा भी चल गया है इलाज पिया खेत बंधत कर दे माई कर ऑपरेशन कर में चले घर में खाने के लिए कुछ आठ दस का तो हो पंजाब जावे बोलत रहे और हाँ तो खेत कैसे छोड़ा उन्हें जी गरीब व्यवस्था में पंजाब नहीं तो वहाँ जाबू कहत हो का करे जाबे पंजाब कमाई खेले जाओगे तो कैसे बंधक जमीन छूटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रशासन ध्यान नहीं देता, बिल्कुल ध्यान देता है। कुछ महीने पहले प्रशासन के लोग गांव आए थे, बोले गांव में सड़क बनेगी, बिजली में सुधार होगा, शहीद की प्रतिमा की मरम्मत होगी, युवक युवतियों को रोजगार मिलेगा, सभी वृद्धों को पेंशन दिया जाएगा। आश्वासन तो मिला लेकिन अब तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। शायद यह हमारी रिपोर्ट उन्हें याद दिला दे कि गांव के लोग अब भी उनके इस वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारी मन कर का समस्या कर लिख के दे है तोरे मन अधिकारी मन जे आए रहे और यहाँ बैठकी भी कर रहे तो मन लिख के दे कि हमारा जे पक्की रोड से पीसीसी देवल है उकर बाद में जनमिलार देवल है उकर बाद में का कहना सोलर लाइट प्लस गाँव तरफ पीसीसी सारना मसना सारना घेराबंदी खड़िया मसना घेराबंदी उरा मसना घेराबंदी इसन वगैरह वगैरह बहुत चीज दवाल है। प्रशासन शहीद के परिवार की उपेक्षा कर रहा है। कुछ परिवार वालों को आवास मिला है लेकिन उसका काम अब तक अधूरा है। तो गांव में तिलंगा खड़िया कर मेला लगत रहे, अब वो मेला लगेला कि नहीं? सर मेला लगात रहे हमें लगात रहो जोगिया खड़िया और दूर दूर कर प्रमुख आदि मन के बुलात रहो लेकिन मुख्य खर्चा ही ना मिले में खूब पैसा मुर्गो चलाए जात रहे सेखन हम कहेगा तो खर्चा लगाई ले पैसा ही नहीं तो सरकार कुछ कमीशन मेला लगे के लिए सरकार या प्रशासन कोनो कचिया नहीं देवत रहे मेले तो से मध्य में बंद हो जाए तो मेला लगाई चाहिए तो पैसा मिले मैंने प्रशासन से कुछ मदद चाहिए तब मेला लगावा। हाँ तो अपन से तो मेला लगाई नहीं पड़ा था। घाघरा जाने वाली सड़क पर असामाजिक तत्वों ने शहीद तिलगा खड़िया की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है जिसकी मरम्मत अब तक नहीं हुई है। का समस्या है तोरे मन कर? तो समस्या हमरे के बहुत है काहे के जे जे भी कोई भी आवे ना तो कुछ पूछे तो हर बताए दे लिख के भी देवे लेकिन हमारे समस्या का समाधान नहीं होते। पहला बात तो हमरे के पूर्वज जो तिलगा खड़िया है उकर मूर्ति टूटल है उकर नया मूर्ति लगे के चाहिए फिर तुरंत बार उकर लगे के चाहिए और उकर सजावट ले घेराबंदी टाइप कर कुछ होए के चाहिए उकर बाद में जे रोड पानी पिए कोनो जे व्यवस्था न है उमन होए के चाहिए बिजली पानी और सड़क। गांव के अन्य लोगों से बात हुई ये पूरा गांव शहीद के वंशज ही यहां रहते हैं और इन लोगों की मांग है कि प्रशासन इस गांव को ध्यान दे। शहीद गांव का दर्जा मिला है तो शहीद गांव की दर्जा की तरह यहाँ सरकारी सुविधाएं भी दी जाए। प्रभातखबर.com के लिए घाघरा गाँव से दुर्जय पासवान। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।